हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो किसी प्रीवियस क्लास में हमारे छूट गए थे। हम आज बात कर रहे हैं फिजिक्स के, है ना, क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के, है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 8 तक हमने, है ना, देख चुके थे, आज 9 और 10 देखेंगे। क्या कहता है, आपको 3 प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम और 6 ओम दिए गए हैं। तुल्य प्रतिरोध 4 ओम पाने के लिए आप किस प्रकार जोड़ेंगे, है ना, आप इन तीनों को किस प्रकार जोड़ेंगे और अपने उत्तर की पुष्टि की गणना कीजिए। मतलब हमें 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, है ना, जिसके क्या है, 2 ओम है, 3 ओम है और 4 ओम है। ये 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। अब कहता है कि इनको आप किस प्रकार जोड़ेंगे कि तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाए, 4 ओम आ जाए। अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है ना, पुष्टि की गणना भी करना है। तो देखिए, बहुत ईजी सा है, कुछ नहीं है। क्या कहा उसने, तो क्वेश्चन नंबर भी मैं 9 का हल बता रहा हूँ, ये 10 का नहीं है, है ना। 10 के लिए तो ये क्वेश्चन दिया, उसका फिगर दिया गया है, हमको इस फिगर की बात अभी नहीं करनी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो देखते हैं इसका हल। तो सीधे सीधे एक बात कहूँ, पहले आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं पहले 2 ओम को छोड़ देता हूँ, 3 और 6 को ले लेता हूँ पहले, है ना। तो मैंने क्या कहा कि 3 ओम व 6 ओम, 6 ओम के प्रतिरोधों को कौन से क्रम, समांतर क्रम में, है ना, समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं पर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता है बेटा, आपकी 1/R2 बोल दो इसको, चलेगा, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। चलो, तो 1/R2 इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू, चलो 3 को ले लेते हैं, प्लस 1/R2 की वैल्यू 6 को ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। दोनों को ऐड कर दूंगी तो देखो 3 और 6 का लस कितना हो जाएगा, आपका 3 और 6 का लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इस दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना होगा, दोनों को जोड़ोगे तो देखो 3 से 6 गया 2, 2 और 1 3, सीधे सीधे लिख देता हूँ 3, कैंसल आउट करोगे तो 1/1/2 होगा। तो ये देखो, आर डैश निकालना है तो मैं कह सकता हूँ कि R' इज इक्वल टू 2 ओम हो जाएगा। अब देखो कि जो ये 2 ओम का प्रतिरोध बचा है, इसको हम कौन से क्रम में जोड़ देते हैं, इन दोनों के साथ श्रेणी क्रम में, है ना। अब 2 ओम को श्रेणी, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, अब R से ले कह देते हैं इसको, R इज इक्वल टू R' प्लस ये क्या हो जाएगा, R3, ऐड कर दो। ये देखो R1' की वैल्यू 2 ओम है, R3 की वैल्यू देखो 2 बच गया था तो 2 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 4, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 4 ओम हो जाएगा। तो कितना आ गया देखो, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया बेटा, 4 ओम आ गया। तो 4 ओम लिख दिए, तो कैसे किए हमने, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 4 ओम। तो हमने इसको सॉल्व करके बता दिया। तो इसका विद्युत परिपथ कैसे बनाएंगे, देखो, तो विद्युत परिपथ कैसे बनाते हैं, देखो, सबसे पहले मान के चलो ये हमारा पहला प्रतिरोध हो गया, एक प्रतिरोध हो गया जिसका प्रतिरोध कितना है, ये मैंने मान लिया 3 ओम है ये, ठीक है। अब मैं फिर से कहता हूँ कि इसके साथ और एक प्रतिरोध ऐड कर दिया गया, यहाँ पर एक प्रतिरोध इस प्रकार से ऐड कर दिया गया ऐसा, तभी तो ये 6 ओम का हो गया। अरे दोनों कौन से क्रम में हो गए, तो देखो समांतर क्रम में, देखो समांतर क्रम में जोड़ने पर बोला था मैंने, तो देखो 1/2 निकला था, है ना। अब देखो इसके साथ मैं 1 को जोड़ देता हूँ, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूँ, जिसका प्रतिरोध 2 ओम है। तो आपका जो फिगर बनने वाला है कुछ ऐसा बनने वाला है, पॉइंट ए हो गया मान के चलो, और ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। तो आपका फिगर ऐसे कुछ होगा, ऐसा फिगर होने वाला है आपका, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का हल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन का हल क्या होने वाला है। बहुत इजी है, सरल सा भी है, कठिन नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, दिए गए परिपथ आरेख में प्रदर्शित आंकड़ों से ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, मतलब ये बिंदु ए और बिंदु बी के बीच मुझे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और सेकंड बात क्या कहा, विभवांतर ज्ञात करना, तो विभवांतर भी निकाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रतिरोध देखता हूँ,
तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, 6 ओम 6 ओम और ये 3 ओम कौन से क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तब समांतर क्रम के लिए मैं ज़्यादा इसको डीप में लेकर के नहीं चल रहा हूँ, सीधे साधारण बता रहा हूँ। तो देखो तो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम के लिए क्या होता है, 1/r वाली कंडीशन होती है, तो मैं इसको r' मानता हूँ क्योंकि उधर श्रेणी क्रम में भी जुड़ा गया है। ठीक है, तो r' इज इक्वल टू कितना होगा, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। चलो इज इक्वल टू 1/, अब r1 की वैल्यू 6 है प्लस r2 की वैल्यू भी 6 है प्लस r3 की वैल्यू 3 है। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए, सभी का लसा तो 6 ही आने वाला है। ठीक है, ये 1 1 और ये 2 होने वाला है ना, तो 1 1 और 2 4 हो जाएगा। कैंसल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 1/r' की वैल्यू है, तो r' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2, यानी अंश का हर और हर का अंश कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी 2 3/2 कैंसल आउट करूँगा तो 1.5। अभी r' तो ये ओम हो जाएगा प्रतिरोध। अब इन तीनों के साथ ये कौन से क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम, सॉरी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो क्या हो जाएगा, r = r' + r4। ऐड कर दीजिए तो r' की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 2.5, दोनों को ऐड करोगे तो 4.0, मतलब 4 ओम सीधे। बात समझ में आ गई, तो जो तुल्य प्रतिरोध निकल गया पहले क्वेश्चन का, जो आंसर आ गया 4 ओम आ गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहा, विभवांतर ज्ञात करने बोला है। तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच विभवांतर, तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच विभवांतर होता है बेटा विभवांतर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ये होता है बेटा आई आर, और आई आपको गिवन है देखो 2 एम्पियर, तो देखो आई की जगह 2 एम्पियर गुना आर, प्रतिरोध निकाल चुके तुल्य प्रतिरोध 4 = 8, और ये हो जाएगा एम्पियर, ये आपका आंसर। तो दोनों आंसर आपके सामने, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी समाप्त होते हैं हमारे, आगे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। इसके बाद आप इन सभी क्वेश्चनों को हल कर ले और बार बार पढ़ते रहे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।